अमेजिंग क्रिएचर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैब नॉलेज। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर जिसका नाम है आर्कटिक फॉक्स। ये छोटे फॉक्स मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। इन्हें व्हाइट फॉक्स, पोलर फॉक्स या स्नो फॉक्स भी कहा जाता है। ये जाने जाते हैं अपने नर्म और गर्म करने वाले फर की वजह से, जो इन्हें लंबे समय तक -60 डिग्री टेम्परेचर वाले ठंडे एनवायरमेंट में जिंदा रखता है। आर्कटिक फॉक्स कार्निवोर्स होते हैं। ये बहुत सारे छोटे क्रिएचर्स का शिकार करते हैं जिसमें लेमिंग्स, वोल्ट और सील के बच्चे शामिल हैं। साथ ही साथ ये गाजर, जामुन, शैवाल और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ये अंडे भी खाते हैं। साथ ही रिसर्चर्स ने ये भी नोट किया है कि समर सीजन में ये अंडों को स्टोर भी करते हैं ताकि स्प्रिंग सीजन में रिप्रोडक्शन के लिए खाने की कमी ना हो। ये ब्रीडिंग के लिए जोड़े बनाते हैं और अपने बनाए कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड गुफा में बच्चों के साथ लगभग 4 हफ्तों तक एक साथ रहते हैं और दोनों मिलकर बच्चों का ख्याल रखते हैं। हैं तो ये शिकारी, लेकिन इनका भी शिकार करने वाले इनके जानी दुश्मन घूमते हैं, जिसमें गोल्डन ईगल, पोलर बियर, वुल्वरीन, रेड फॉक्स, भेड़िए और ब्राउन बियर शामिल हैं। ये लगभग 3.5 किलो के हो सकते हैं और 18 से 27 इंच तक लंबे हो सकते हैं। खास बात तो ये है कि इन्हें अपने कोर और एनवायरमेंट टेम्परेचर के बीच 90 से 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस झेलना पड़ता है और ऐसे टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए ये अपनी बॉडी को टाइट करके एक राउंड शेप बनाते हैं जिससे उनकी बॉडी गर्म रहे। इनके पंजों के नीचे भी फर होते हैं और इनके फर की भी एक खासियत है। विंटर सीजन में इनके फर वाइट रहते हैं और इनके फर का साइज 140% तक बढ़ जाता है। वहीं गर्मियों में इनके फर नॉर्मल हो जाते हैं और ब्राउन या ग्रे कलर के हो जाते हैं। वैसे तो ये पूरा साल एक्टिव रहते हैं, लेकिन भालुओं की तरह आर्कटिक फॉक्स भी गर्मियों के सीजन में फैट को रिजर्व करते हैं जिससे इनकी बॉडी का वेट 50% तक बढ़ जाता है। यही बढ़ा हुआ फैट इन्हें इंसुलेट करता है और ठंडियों में खाने की कमी से होने वाली भुखमरी से भी बचाता है। ये बहुत ही शातिर होते हैं और बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं। शिकारियों से बचने के लिए ये लगभग 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में बहुत ही पेचीदा कई तरफ से निकल भागने वाले रास्ते बनाते हैं। हमला होने पर ये एकजुट हो जाते हैं, चाहे कोई ग्रुप का हो या ना हो, और एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। और इनकी गुफाएं इनकी कई जनरेशन के काम आती हैं। शिकारियों से बचने के लिए इनके पास दूसरा प्लान भी होता है। ये अपनी गुफा के आसपास कुछ गुफाओं को नजर में रखते हैं ताकि अगर वो डिफेंड, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन एनिमल ट्रैफिकिंग और हंटिंग की वजह से इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है, और इसे देखते हुए प्रोहिबिटेड न्यू ऑर्गेनिज्म कानून बनाया गया ताकि इन खूबसूरत क्रिएचर्स की लीगल या इलीगल खरीद पर रोक लगाई जा सके। बर्फ में शिकार करने का इनका अलग ही तरीका है। ये 2-3 फीट के नीचे रहने वाले लेमिंग्स को पहचान लेते हैं और जंप लगाकर अपने मुंह को बर्फ में दे मारते हैं और लेमिंग्स को पकड़ लेते हैं। हाँ, कई बार ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आप इसे घर पर ट्राई ना करें तो आपकी शक्ल के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें ताकि आगे वीडियोस बनाने में हमें मदद मिले। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।